हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर केयूर वर्मा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फॉर सर्जिकल बॉडी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि पूरी बेस्ड होगी कि डिफरेंट ऑपरेशंस जो है उसके बारे में लोगों में, आम जनता में काफ़ी मिथ्स फैले होते हैं। तो हम ये पूरी सीरीज मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में होंगे, जिसमें कि जो आम लोगों में मिथ्स फैले हुए हैं उसका हम फैक्ट रजू करेंगे और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिथ एंड फैक्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे सर्कमसीजन ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो मिथ्स फैले हुए हैं उसके हम आज सारे फैक्ट्स रखेंगे। तो आम जनता में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं सर्कमसीजन ऑपरेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि उनको अपने उस ऑपरेशन मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा एक मिथ होता है। ऐसे ही और कई सारे मिथ्स होंगे, तो इस पूरे वीडियो में मैं वो सारे मिथ्स को आपके दूर कर दूंगा और आप जो डर है आपके अंदर फैला हुआ वो सारा दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। चलो फ्रेंड्स, आइए बात करते पहले मिथ के बारे में कि आम जनता में, पेरेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या फिर उनमें एक ये रहता है कि बच्चों में फाइमोसिस हुआ है उनके, तो वो ऐसे सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तब डिसीजन लेंगे, या तो फिर कि ऐसा है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर बच्चे में फाइमोसिस है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो जो स्किन ऊपर जुड़ी हुई है और जुड़ती जाएगी और वो ग्लांस के साथ चिपक जाएगी, तो बाद में ऑपरेशन करने में बहुत सारी दिक्कत आएगी, आपका बच्चा ही परेशान होगा। तो ये एक मिथ है जिसका फैक्ट है कि आपने बच्चे का अगर है तो 5-6 साल के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड मिथ के बारे में। तो कई बार कई लोगों में ये कन्फ्यूजन या फिर एक ये धारणा होती है कि ऑपरेशन के बाद उनको पेशाब करने में कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो ऊपर की चमड़ी है जिसको फोरस्किन बोलते हैं उसी को हम निकालते हैं पेशाब के रास्ते के साथ। कोई भी ऑपरेशन के दौरान हम छेड़खानी नहीं करते हैं, तो आपको पेशाब करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अब बात करें अगर थर्ड मिथ के बारे में, तो कई बार कई लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने जो जहाँ पे टाँके लगे उस एरिया को कोई साफ सफाई नहीं करनी है, कोई पानी नहीं लगाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर इनिशियल 1 or 2 ड्रेसिंग आपने उस एरिया को अच्छे से ल्यूकोंग वाटर से साफ करना है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कोई आपने साबुन नहीं लगाना है, बट पानी से आप साफ कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे क्रीम अप्लाई करनी है, तो ऐसे ही आपने साफ सफाई करनी है और पानी आप लगा सकते हो। फोर्थ मिथ के बारे में बात करें तो लोगों में ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अब ये जो स्किन निकली हुई है हमारी वो वापस से ग्रो कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को, बच्चों में काफ़ी होता है कि पेरेंट्स को कि बच्चों की काटती है तो बड़े होते हुए स्किन आ जाएगी, बट वो बिल्कुल नहीं आएगी। वो जो एरिया है वो ग्लांस है आपका, वो पूरा लाइफ टाइम खुला रहेगा, बट इससे आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिफ्थ मिथ के बारे में बात करें तो लोगों में ये काफ़ी रहता है कि ऑपरेशन ये जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, 3-4 दिन का हॉस्पिटल का स्टे हो सकता है और ऑपरेशन के बाद भी आप महीनों तक कोई काम नहीं कर पाओगे। ये पूरा एक मिथ है। फैक्ट ये है कि ये ऑपरेशन डे केयर ऑपरेशन, यानी कि आप सुबह ऑपरेशन कराए तो शाम तक घर जा सकते हो, और उसके बाद 2 या 3 दिनों में इनिशियल जो ड्रेसिंग वगैरह हो जाए उसके बाद कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता है, तो आप अपना रूटीन काम आराम से कर सकते हो और 10 या 15 दिनों में तो वो आपका जख्म है वो पूरा बिल्कुल ठीक हो सकता है, और महीने की बात तो दूर, आप 2 वीक्स के आसपास ही अपना जॉब वगैरह के लिए भी जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते सिक्स मिथ के बारे में। तो कई बार लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि सर्कमसीजन ऑपरेशन करा ले तो उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्कमसीजन का जो ऑपरेशन है उसके बाद वो फोरस्किन पूरी वो निकल जाती है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा एकदम नील के आसपास हो जाता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको वहाँ पे इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है उसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सेवन मिथ के बारे में। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट समस्या है जो लोगों में फैली हुई है, वो ये है कि आफ्टर सर्कमसीजन ऑपरेशन मैरिड लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डर फैला होता है। इवन पेरेंट्स में होता है, बच्चों के लिए कि बड़ा होकर फिर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका ये है कि ये जो सर्कमसीजन का ऑपरेशन है उसमें हम फोरस्किन निकालते हैं और बाकी कोई चीज़ को हम
छिड़कानी नहीं करते, मतलब सिर्फ ये फोर्स के निकलते, तो उससे बल्कि फायदा होता है अपनी मैरिड लाइफ में, और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आने का जो भी सवाल है वो खड़ा ही नहीं होता है, बल्कि बेटर होता है कि जो डिफिकल्टी आ सकती है सेक्सुअली वो नहीं आएगी, है ना। सेक्सुअल प्लीजर वगैरह जो रहता है कि नहीं होगा या फिर होगा, तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई एक बंदा या बच्चा जिसने सर्कमसिजन का ऑपरेशन कराया है वो भी अपनी मैरिड लाइफ ऐसे ही बेटर तरीके से जी पाता है, बल्कि उसमें ये एक फ़ायदा होता है जो मैंने अगले मिथ और फैक्ट में बात करी है पिछले वाले में, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं वो एकदम नील हो जाते हैं जिनका सर्कमसिजन हुआ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात होगी मिथ और फैक्ट के बारे में। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही और मिथ फैक्ट के बारे में जानिए और अपने आप को एजुकेटेड कीजिए। थैंक यू गाइज।